आज हम बेसन की मिठाई बनाएंगे। यह मिठाई बनाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही कम चीज़ों में और कम खर्च में यह मिठाई आसानी से बन जाता है। इस मिठाई को आप किसी त्यौहार पर या फिर जब आपका मीठा खाने का मन कहे तब आप इसको बना सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मिठाई बनाने के लिए इस बर्तन में हम 2 कप बेसन को डालेंगे। बेसन डालने के बाद अब इसमें दूध को डालकर मिलाएंगे। यहाँ पर हमने 1 कप दूध लिया है तो थोड़ा सा दूध डालकर पहले मिला देते हैं। ज़रूरत पड़ने पर इसमें हम और दूध को डालेंगे, क्योंकि हमें कोई बैटर नहीं बनाना है, केवल दूध को मिलाना है, इसलिए हम बेसन को गाढ़ा रखेंगे। आप देख सकते हैं इतना गाढ़ा बेसन हमने तैयार किया है और पूरा दूध नहीं लगा है, थोड़ा दूध बच गया है। अब बेसन को हम साइड में रखेंगे और मिठाई के लिए हम चाशनी बनाएंगे। हमने गैस पर एक बर्तन रख दिया है, इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। 1 कप चीनी के लिए हम आधा कप पानी डालेंगे। जितना हमने चीनी लिया था उसका आधा हम पानी डालेंगे। हम चाशनी गाढ़ा बनाएंगे इसलिए पानी आधा कप डालेंगे। हम कोई तार की चाशनी नहीं बना रहे हैं, बस हल्का गाढ़ा होने तक पकाएंगे। मीडियम आंच पर चीनी को बराबर चलाते हुए गला लेते हैं ताकि चीनी बर्तन के तली में चिपके ना। चीनी घुलकर चाशनी पक रहा है, इसमें आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इससे मिठाई का फ्लेवर बहुत बढ़िया बनता है। चाशनी को हम 1 मिनट तक और पकाएंगे जिससे चाशनी गाढ़ी हो जाए। मिठाई के लिए चाशनी तैयार है। अब इसको गैस से हटाकर ढककर रखेंगे। अब गैस पर पैन रखेंगे। पैन में हम आधा कप देसी घी को डालेंगे। घी को हम पिघला लेते हैं। घी पिघल गया है, अब इसी में हम बेसन को डालेंगे। जो हमने बेसन में दूध मिलाकर रखा है पूरे बेसन को डालेंगे। अब बेसन को बराबर चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। जब तक बेसन भूनने के बाद भरभरा न हो जाए और इसमें से अच्छी महक ना आने लगे, तब तक इसको हमें बराबर चलाते हुए भूनना है। ध्यान रखें, इस मिठाई को बनाने के लिए बेसन को अच्छी तरह से भूनें, क्योंकि बेसन अच्छी तरह से भुना रहेगा तो मिठाई का टेस्ट बढ़िया बनेगा और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा। गैस को हम मीडियम में रखेंगे और बेसन को बराबर चलाते हुए भूनेंगे। अभी बेसन बहुत गीला है, लेकिन भूनने के बाद एकदम भरभरा हो जाएगा और घी को पूरी तरह से सोख लेगा और भूनने के बाद इसका कलर सुनहरा हो जाएगा। तो कम से कम इसको हम 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे। बेसन को भूनने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब बेसन अच्छी तरह से भुना रहेगा तो मिठाई खाने में बहुत बढ़िया लगेगा। आप देख सकते हैं बेसन का कलर एकदम सुनहरे रंग में हो गया है और बेसन भूनने के बाद दानेदार हो गया है और इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है। ये बेसन अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हम चाशनी को डालकर मिलाएंगे। पहले गैस को हम एकदम धीमा करेंगे, फिर चाशनी को डालकर बराबर चलाते हुए मिलाएंगे। बेसन में अच्छी तरह से चाशनी को मिलाते हुए 4 से 5 मिनट तक और पकाएंगे, जिससे मिठाई जमने लायक हो जाए। इसमें हम 1 चम्मच घी और डालेंगे, जिससे मिठाई जो पैन में चिपक रहा है वो छोड़ दे। आप देख सकते हैं घी डालने के बाद मिठाई पैन को पूरी तरह से छोड़ दिया है, ये पैन में चिपक नहीं रहा है। अब ये मिठाई जमाने के लिए तैयार है। गैस को हम बंद करेंगे और इस मिठाई को 1 बर्तन में डालकर सेट करेंगे। तो इसे हम गर्म रहते ही बर्तन में डालकर सेट करेंगे। जब ये धीरे धीरे ठंडा होगा तो टाइट हो जाएगा। इसी बर्तन में हम मिठाई को जमा कर सेट करेंगे। तो पहले इसमें हम घी लगाएंगे। इसी में हम 1 बटन पेपर को लगाएंगे। इसके ऊपर से भी थोड़ा सा घी लगाएंगे। इससे मिठाई बर्तन में चिपकेगा नहीं, आसानी से निकल जाएगा। अब बर्फी को हम बर्तन में डालकर सेट करेंगे। तो पहले इसमें हम थोड़ा सा मेवा लगा देते हैं, इससे मिठाई मेवा अच्छे से चिपक जाएगा। अब इसी में हम थोड़े से बारीक कटा हुआ काजू, बादाम, पिस्ता लगाएंगे। मेवा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो मेवा आप ले सकते हैं। अब इसमें हम पूरे मिठाई को डालकर सेट करेंगे। इसको हम एक लेवल में कर देते हैं, जिससे कहीं से मोटा पतला न रहे। मिठाई को सेट करने के बाद 1 घंटे के लिए पंखे हवा में रखेंगे, जिससे ठंडा होकर जम जाए। इसको जमने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 घंटे मिठाई जमकर सेट हो जाएगा।
क्योंकि बेसन की मिठाई जल्दी से जम जाता है, तो इसको हम 1 घंटे के लिए पंखे के हवा में रखेंगे। 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं ये जमकर टाइट हो गया है। अब इसको हम एक बर्तन में निकालेंगे। पहले इसको चारों किनारों से कट लगाएंगे। अब इसके ऊपर से हम प्लेट लगाएंगे, फिर पलट लेते हैं। आप देख सकते हैं मिठाई कितने आसानी से बर्तन से बाहर निकल गया, और जो बटर पेपर हमने लगाया है वो बर्तन में चिपका है, क्योंकि हमने बटर पेपर के ऊपर घी लगाया था। ये मिठाई बर्फी जैसा जम गया है। अब इसको हम छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं। इतने बर्फी में हम 8 पीस काटेंगे। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा पीस काट सकते हैं। वैसे तो आप इस बर्फी को थाली, प्लेट या फिर और भी बर्तन में जमा सकते हैं। काटने के बाद बेसन की मिठाई खाने के लिए तैयार है। 1 पीस बर्फी हम निकाल कर दिखाते हैं। आप इसे चाहे बेसन की मिठाई कहें या फिर बेसन की बर्फी कह सकते हैं। एकदम नरम, मुलायम, बहुत ही बढ़िया बेसन की मिठाई बनी है। एक बार आप इसको बनाकर खाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा, क्योंकि ये स्वाद में बहुत बढ़िया है और आप इसको जितना दिन तक रखेंगे ऐसे मुलायम बना रहेगा। इसको हम तोड़ कर दिखाते हैं कितना मुलायम है। इस मिठाई को आप घर पर ज़रूर बनाएं, और मिठाई को बनाने के बाद हमें ज़रूर बताइएगा कि ये बेसन की मिठाई आपको कैसा लगा।